परमेश्वर के नाम की महिमा हो आप सभी को। जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी में हम बात करेंगे सबरी रायन यीशुदासन के जीवन के बारे में। जन्म 31 अगस्त 1882, मृत्यु 19 अप्रैल 1969, मूल स्थान भारत, दर्शन भारत। आइए इनके जीवन के बारे में हम विस्तृत में ध्यान देते हैं। सबरी रायन यीशुदासन एक मिशनरी और दक्षिण भारत के उत्तरी आरकोट के थ्रुपटूर जिले में एक क्रिस्तुकुला आश्रम के संस्थापक थे। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में ईसाई धर्म के स्वदेशी अनुकूलन ने जड़ें जमा ली। एक भारतीय दृष्टिकोण से ईसाई धर्म के पुनर्विचार पर मद्रास मेडिकल कॉलेज के छात्रों के एक समूह ने जोर दिया, जिनमें से एक सबरी रायन यीशुदासन थे। उनका मानना था कि भारत में मसीहत को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय परंपरा के आध्यात्मिक लोकाचार, आराधना के तरीके आदि को समझने की जरूरत है। स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में अपनी FRCS की डिग्री खत्म करने के बाद यीशुदासन ने अपने दोस्त फॉरेस्टर पार्टन के साथ मिलकर 1921 में दक्षिण भारत में क्रिस्तुकुला आश्रम की स्थापना की। आश्रम राष्ट्रीय मिशनरी सोसाइटी से समृद्ध था और स्वदेशी रूप मसीही भक्ति को बढ़ावा देने वाले पहले प्रोटेस्ट आश्रमों में से एक बन गया। यीशुदासन ने ग्रामीण लोगों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनके साथ अपनी पहचान बनाई, उनके जैसे कपड़े पहने और उनके जीवन यापन के तरीकों को अपनाया, इसलिए लोग उन्हें पेरियन बड़े भाई के नाम से बुलाते थे। यीशुदासन ने सादा जीवन अपनाया और आश्रम और स्कूल के विकास के लिए अपना सारा धन दे दिया। उन्होंने थ्रुपटूर जिले में और आसपास के लोगों को मुफ्त चिकित्सा सेवा की पेशकश की। दलितों के लिए उनके प्रयासों ने बहुत से लोगों को गरीबी और पाप से ऊपर उठने में मदद की। यीशुदासन एक भजन लेखक भी थे, जिन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए कई भजन लिखे हैं। प्रिय, आप दूसरों के साथ परमेश्वर के प्रेम को कैसे साझा करते हैं? प्रभु उद्धार के मार्ग में कई लोगों का नेतृत्व करने और उनके जीवन को उत्थान करने में मैं अपने जीवन को पेशकश करती हूँ। आमीन। परमपिता परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें।